वापस और कुछ FL स्टूडियो के ट्रिक्स के साथ। तो जैसा कि मैंने एक रिकॉर्ड किया है सॉन्ग, आज तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसके अवसर पे मैंने एक सॉन्ग बस रिकॉर्ड किया है जो मन में आ गया थोड़ा सा। तो ये पहले सुन लेते हैं भाई, उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए ये सुन लिया आपने, थोड़ा सा गड़बड़ था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसका पिच करेक्शन करते हैं, यहाँ से आप नॉर्मलाइज भी इसको कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ इक्वलाइज़र का ऑप्शन आएगा, सुन सकते हैं इससे साउंड इफेक्ट में। तो चलिए सुनते हैं पहले। तो चलिए हमको इसको नहीं करना है, ये सिर्फ प्योर व्यू था। और ये रहा, तो यहाँ से आप इसको वॉल्यूम बूस्ट भी कर सकते हैं जैसे कि ये। तो गाइस इसको नहीं करना है हमको। तो आज मेन रूप से हम बात करने वाले हैं पिच करेक्शन के ऊपर, यानी कि पिच करेक्शन कैसे करें। तो ये रहा हमारा, और इसको पिच करेक्शन में भेजना है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है और इसमें एडिट पिच, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया मेरा पिच करेक्शन में, देख सकते हैं यहाँ पे है। तो मैंने किया है इसको पहले थोड़ा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये रहा। तो ज़्यादा नहीं, 2 लाइन सॉन्ग मैंने गाया है। तो मेन रूप से आज बात करने वाले हैं, मैं YouTube पे सर्च मार रहा था कि मेन रूप से पिच करेक्शन कैसे करें, तो पता नहीं चलता कि कौन से सुर कहाँ बैठेंगे और कैसे आएंगे। तो आज हम मेन रूप से यही बात करने वाले हैं कि कौन से सुर जो हैं किस जगह पे बैठेंगे, तो आपको पता चलता है कि हाँ हमारा नोट्स यहाँ गलत है यहाँ सही है। तो मेन रूप से आज यही बात करने वाले हैं। तो इसको पहले सुन लेते हैं कैसा साउंड करता है। तो इसको चलिए इसको सुनते हैं। तो यहाँ पे मेन रूप से हमको ये पता करना था, और ये सेंटर में मैंने रखा है, बस ये रहा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोट्स 12 होते हैं। तो अगर आपने कोई सॉन्ग गाया है तो ये इन्हीं 12 नोट्स के अंदर आएंगे। तो जैसे यहाँ से करते हैं, C4 से स्टार्ट, 1 ब्लैक वाला, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस जो C4 और C5 इसके बीच अगर आपका नोट है तो आप समझिए सही गाते हैं।
अगर आप इसके ऊपर है या इसके नीचे है, यानी इस यहाँ के नीचे और यहाँ के ऊपर अगर है, तो मान के चलिए आपका नोट्स गलत है, तो आपको यही सुधारना पड़ेगा। तो ये मैंने सेंटर करके आपको सुनाया था, अब ऐसे सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये सही है। तो आपने देखा काफ़ी हद तक ये सही जा रहा है बिल्कुल, और मेरे सॉन्ग का बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई रोबोटिक नहीं लग रहा है, ओरिजिनल साउंड लग रहा है। तो बस इसको न्यू टोन में आपको ऐसे ही करना है, यानी अगर आपको पता है किस नोट्स के ऊपर नीचे आपका सॉन्ग है, बस उसका ही स्केल आपको पता करना है। यहाँ देख सकते हैं जब मैं इसको सेंटर को ऊपर नीचे करता हूँ, देखिए ये स्केल खुद ब खुद ऊपर नीचे हो जाता है, और आपको इसी को मैनेज करना होता है, यानी कि अगर ये नीचे अगर फुल इसको करते हैं तो ऊपर की शो कर रहा है, तो इसको शो करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जी माइनर है, यहाँ देख सकते हैं ये माइनर, यहाँ जी माइनर है। तो गाइज ऐसे करके आप अपने न्यू टोन से अपने वोकल को चेंज कर सकते हैं और एक अच्छे नोट्स में परिवर्तन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर कोई सॉन्ग आप गाते हैं तो इन्हीं 12 नोट्स के अंदर आते हैं, तो समझिए आपको नोट्स सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यह पता नहीं चल पाता है कि हम किस नोट्स से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप कहीं से शुरुआत करें, जैसे यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ 12 होना चाहिए तो आपका सही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ देख सकते हैं, तो उसको ही ऊपर आपको करना है, मतलब आपको सिर्फ 12 के अंदर लाना है हर नोट्स को। तो ऐसे ऐसे भी जो आपका गलत नोट्स रहेगा वही ऊपर या नीचे हो जाएगा ज़्यादातर। तो ऐसे करके आप सुधार कर सकते हैं अपने न्यू टोन से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।